नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं निधि। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के कुचामन से है, जहां क्षेत्रीय विधायक व उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के कार्यकाल में कुचामन के राजकीय चिकित्सालय में सुविधाओं और संसाधनों का लगातार विस्तार हो रहा है। चिकित्सालय में 2 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है, तो वहीं ब्लड बैंक भवन का निर्माण भी तीव्र गति से हो रहा है। इसी क्रम में अस्पताल में बने नए वार्डों के लिए राउंड टेबल इंडिया ट्रस्ट की ओर से करीबन 35 लाख रुपए के नए बेड, गद्दे, लॉकर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य संसाधन भेंट किए गए। कुचामन के राजकीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद राव और वरिष्ठ चिकित्सालय डॉक्टर वी के गुप्ता ने बताया कि डीडवाणा निवासी एडवोकेट रामगोपाल अग्रवाल की प्रेरणा से अस्पताल को ये भेंट मिली है। चेन्नई से कुचामन पहुंचे उपकरण और सामान को अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अस्पताल पहुंचकर अस्पताल प्रशासन के सुपुत्र किया। कुचामन सिटी से प्रमोद गोड़ की विशेष रिपोर्ट। अस्पताल में बेड और अन्य संसाधन मिले हैं, क्या है पूरी जानकारी? ये राउंड टेबल ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हमको हॉस्पिटल को एक हमारी एक निवेदन पे काफ़ी सामान दिया है, जिसमें 100 बेड और 100 गद्दे, 100 तकिए और 32 कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये तो, और बेड साइड लॉकर 100, ये तो हमको प्राप्त हो चुके हैं और काफ़ी सामान और आना बाकी है। जो भी हमने उनसे निवेदन किया था उन्होंने तुरंत हमारा सैंक्शन कर दिया और जल्दी से सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, तो इस अस्पताल में काफ़ी सुविधाएं हो जाएंगी। आईसीयू भी हम रन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे ऑक्सीजन मॉनिटर भी आ रहे हैं और आईसीयू का भी सारा सामान आ रहा है।